नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब अपना ध्यान ऑर्गेनिक खेती और डेयरी उद्योग पर लगा रहे हैं। धोनी रांची के धुरवा स्थित सेम्बो में 55 एकड़ के प्लॉट में फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग भी हो रही है। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को कई खिताब दिलवाए हैं। इन खिताबों में 2007 का T20 विश्व कप और 2011 वर्ल्ड कप का खिताब भी शामिल है। लेकिन अब धोनी अपने शहर के लोगों को अपने फार्म हाउस की सब्जियां और दूध का स्वाद चखा रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर धोनी के फार्म हाउस में फिलहाल मौसमी सब्जियों की खेती हो रही है। इन दिनों धोनी के फार्म हाउस पर टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली की खेती हो रही है। इन सब्जियों में अभी टमाटर का उत्पादन शुरू हो गया है। धोनी के फार्म हाउस से अभी लगभग 80 किलो टमाटर प्रतिदिन टूट रहा है। रांची के बाजारों में धोनी के फार्म हाउस से निकल रहे टमाटर की काफी डिमांड है और सुबह में ही टमाटर खत्म हो जाते हैं। दरअसल पूर्व भारतीय कप्तान के फार्म हाउस में टमाटर का उत्पादन पूरी तरह से ऑर्गेनिक के रूप में किया गया है। लगभग एक सप्ताह में धोनी के फार्म हाउस के उत्पादित गोभी का भी रांची के लोग स्वाद ले सकेंगे। फिलहाल धोनी के फार्म हाउस का टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में रोजाना लगभग 300 लीटर दूध का भी उत्पादन हो रहा है और यह दूध सीधे बाजार में बिक रहा है। 55 रुपए लीटर बिकने वाला धोनी के डेयरी फार्म का दूध कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। धोनी के डेयरी फार्म की देखभाल करने वाले डॉक्टर विश्वरंजन ने मीडिया को बताया कि धोनी ने भारतीय नस्ल की साहिवाल और फ्रांस के नस्ल की फ्रीजियन गाय को रखा है। धोनी की गौशाला में फिलहाल 70 गाय हैं। इन सभी गायों को पंजाब से लाया गया है। धोनी के फार्म हाउस की देखरेख शिवनंदन और उनकी पत्नी सुमन यादव करते हैं। इन्हीं के जिम्मे पूरा सब्जी का कारोबार है। शिवनंदन ने बताया कि अब तक लाखों रुपए उन्होंने धोनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। धोनी अपनी फार्म हाउस की उत्पादित सब्जी और डेयरी फार्म से काफी खुश हैं। शिवनंदन ने एक मीडिया चैनल को बताया कि धोनी जब भी रांची में रहते हैं तो हर 2-3 दिन पर अपने फार्म हाउस को देखने जरूर आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फार्म हाउस में जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती कर सब्जियों का उत्पादन हो रहा है उसे देखकर धोनी काफी खुश हैं। सब्जी और दूध बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वह सीधे धोनी के बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी डेयरी फार्म में रखी गई गायों के पास भी आकर कुछ वक्त जरूर बिताते हैं। खबर तो यह भी है कि धोनी अपने शहर रांची में कड़कनाथ मुर्गे भी बेचेंगे। बताया जाता है कि इसके लिए धोनी ने 2000 चूजों का ऑर्डर भी कर दिया है। ये चूजे मध्य प्रदेश से मंगाए जाएंगे। आपको बता दें कि कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ की पहचान है और इसे झाबुआ के कड़कनाथ के रूप में भारत सरकार से GI टैग भी मिल चुका है। यह मुर्गा अपने काले रंग, काली हड्डी और काले मांस के साथ लजीज स्वाद के लिए पहचाना जाता है। यह मुर्गा फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।